भारतीय वायुसेना की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान लगातार सरहद पर तो साहस दिखा रहा है, वो जमीनी स्तर पर तो भारत से उलझ ही रहा है, वहीं आसमान से भी नापाक हरकत को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा। एक दिन पहले पाकिस्तान ने हवाई सीमा का उल्लंघन किया था, इस दौरान पाकिस्तान ने हमारे एक पायलट को भी पकड़ लिया था, वहीं अब जाबाज पायलट को भारत लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इस बीच पाकिस्तान ने भारत के सामने एक शर्त रख दी है। ये तस्वीरें हैं भारतीय फाइटर पायलट अभिनंदन की, जिन्होंने अपनी जाबाजी से पाकिस्तान के हवाई हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। पुलवामा के बदले से बौखलाए पाकिस्तान ने एक दिन पहले भारत पर पलटवार करने के लिए अपने F-16 लड़ाकू विमान से भारतीय वायु सीमा में घुसपैठ करा दी थी, जिसका माकूल जवाब देते हुए फाइटर पायलट अभिनंदन ने अपने MiG-21 विमान से पाकिस्तान के उच्च तकनीक वाले लड़ाकू विमान को ढेर कर दिया था। लेकिन इस हवाई संघर्ष के दौरान दिलेर पायलट पड़ोसी देश के हाथ लग गए, अब वो पाकिस्तान की हिरासत में है। पाक सेना ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि हमने भारत के पायलट को पकड़ लिया, जिसके बाद से ही भारत अपने पायलट को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वह हमारे पायलट को वापस करे। वह इस बीच अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय पायलट की रिहाई के लिए शर्त रख दी है। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच हालात सामान्य होने पर रिहाई को लेकर विचार किया जा सकता है। कुरैशी ने दावा किया कि भारतीय पायलट पूरी तरह सुरक्षित है और उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं भारत और भारत के आवाम को यह पैगाम देना चाहूंगा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, जिम्मेदार एयरफोर्स है, हम जिनेवा कन्वेंशन से वाकिफ हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।